नमस्कार, द नगरी न्यूज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य आंध्रे। हमारे साथ आज डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा हैं, जो प्रोफेसर एंड हेड है आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में, और इसके अलावा फाउंडर और एक्स प्रिंसिपल हैं अलवर मेडिकल कॉलेज के। आज हम डॉक्टर साहब के साथ जिस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं, वो मुद्दा काफी चर्चित है हाल ही में, एक दवाइयों से रिलेटेड है। आखिर जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयां क्या है, ये ब्रांडेड और जेनरिक दवाइयां, इसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर साहब, तो पूरी जो मामले की जो बात है दवाइयों से जुड़ी हुई, उसको लेकर आज इनके साथ चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयां क्या होती है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कई बार डॉक्टर एक दवा जब लिखता है, जैसे अगर मैं कोई दवा लेने जाता हूँ, एक बीपी की दवाई है, वो मैं लेने एक मेडिकल पे गया, तो वहाँ एक बीपी की दवाई मुझे 200-250 रुपए की भी मिलेगी, और वही बीपी की दवाई मुझे एक दुकान पर 20 या 30 या 40 रुपए में मिल जाएगी। आखिर ऐसा क्यों? ये जो पूरे देश में जो जेनरिक स्टोर खोले गए हैं जेनरिक दवाइयों के, और पूर्व में ब्रांडेड दवाइयाँ जो अलग अलग कंपनियाँ अपने अपने ब्रांड्स की दवाइयाँ जो निकालती थी, उनमें जो डिफरेंस है, वो उसकी वजह ये है कि ब्रांडेड दवाइयाँ जो होती थी उसमें कई जो कंपनी के साथ एमआर हो गए या दूसरे जो एक्सपेंसेस हो गए, उनकी क्वालिटी टेस्टिंग बार बार हो रही थी, उनके एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा हो रहा था, और दूसरे बहुत सारे एक्सपेंसेस उसमें जुड़ जाते थे कंपनी के, इसलिए वो ब्रांडेड दवाइयाँ कॉस्टली होती थी। जेनरिक दवाइयों में ये सारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, उनकी डायरेक्ट सप्लाई होती है, जेनरिक स्टोर्स में सप्लाई होती है, पूरे बड़े लेवल पे जेनरिक दवाइयाँ परचेज की जाती हैं, उस वजह से उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन ये सोचना कि जेनरिक दवाइयों की क्वालिटी ठीक नहीं होती, जेनरिक दवाइयाँ अच्छी नहीं होती या इफेक्टिव नहीं होती, ये ऐसा ठीक नहीं है। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कोई आदमी एक पर्टिकुलर ब्रांड की या एक पर्टिकुलर जेनरिक दवाई ले रहा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या ऐसी कोई कंडीशन में ले रहा है, और उसकी उस दवाई से चीज़ें कांस्टेंट है, वो दूसरी कंपनी की लेता है, चाहे दूसरी ब्रांड ले या दूसरी जेनरिक ले या कुछ और ले, दूसरी कंपनी की लेता है, तो डेफिनेटली उसके थोड़ा बहुत उसके एब्जॉर्बेशन में, उसके इफेक्ट में, उसमें उसकी बायोलिटी में फ़र्क पड़ सकता है, उसकी वजह से उसकी डिजीज़ के कंट्रोल में डिफरेंस आ जाता है। बाकी ऐसा कहना कि ब्रांडेड दवाइयाँ अच्छी होती है, जेनरिक अच्छी नहीं होती, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये ज़रूर होता है कि कई बार अगर मान लो ड्रग्स कुछ गड़बड़ मिलती हैं या कोई भी सप्लाई में गड़बड़ आती है, उसमें चांसेस ये रहते हैं कि जो बहुत बड़े ब्रांड की दवाइयाँ हैं, जब भी नकली पकड़ी जाएगी तो हमेशा बहुत बड़े ब्रांड की दवाइयाँ पकड़ी जाएगी। इसलिए आप इस चीज़ को जज करें कि जो भी आप दवाई ले रहे हैं प्रॉपर अच्छे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लें, क्योंकि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर लिख रहा है, वो प्रिस्क्रिप्शन पे उस डॉक्टर को पता रहता है कि ये दवाइयाँ उसके काम कर रही हैं और ये नहीं कर रही, क्योंकि उसको तुरंत मरीज फीडबैक देता है, साहब ये मैंने बुखार की दवाई ली थी, इससे उतरा ही नहीं मेरा बुखार, तो डॉक्टर को तुरंत फीडबैक मिलता है। डॉक्टर चाहे तो जिस भी दवा कंपनी का अगर लिख रहा है दवाई, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग को भी चेक कर सकता है। इसी तरह से जेनरिक दवाइयाँ या गवर्नमेंट कहीं सप्लाई में दवाइयाँ जो आती हैं, उनकी भी प्रॉपर क्वालिटी टेस्टिंग होती है, तो इंपॉर्टेंस इस चीज़ का है कि क्वालिटी टेस्टिंग हो रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने बड़े ब्रांड की दवाई को नकली दवाई तो सप्लाई कर दी हो और उसका इफेक्ट नहीं आ रहा हो। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार परचेज में ऐसा हो गया कि लो क्वालिटी की दवाइयाँ आ गई, उस वजह से इफेक्ट नहीं आ रहा, तो इन सब चीज़ों को वॉच करते हुए प्रॉपर जगह से प्रॉपर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दवाई खरीदी जाए, और ऐसा नहीं हो कि डॉक्टर ने तो आपको ये दवाई लिखी और आप मेडिकल स्टोर पे जाएं और वो दुकानदार कहे कि नहीं ये सेम साल्ट है आप ये ले लें, ऐसा भी ना करें। उससे भी प्रॉब्लम ये होती है कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड की दवाइयों से आपका जो डिजीज़ है वो कंट्रोल में है, जैसे आपने चेंज किया उसका जो एफिकेसी है या उसका जो ब्लड लेवल है या उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो डिफरेंट हो सकता है, उन वजहों से ऐसा हो सकता है कि आपकी डिजीज़ पे कंट्रोल थोड़ा चेंज हो जाए, तो आपको उसको भी वॉच रखना जरूरी है। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे जेनरिक दवाइयों की कई बार बात होती है वो सस्ती आती है, ब्रांडेड कॉस्ट महंगी आएगी, तो क्या जेनरिक कई बार ब्रांडेड से जेनरिक पर जब मरीज शिफ्ट होता है तो उसे हमेशा साइड इफेक्ट का डर लगा रहता है, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा साइड इफेक्ट और ये तो नहीं होते बाजार में ऐसे। एक्चुअल में क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं, जेनरिक ड्रग भी हैं, ब्रांडेड ड्रग भी है, और जेनरिक ब्रांडेड ड्रग भी है, तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि आप जो दवाई आपको दी जा रही है वो जेनरिक है या ब्रांडेड है या जेनरिक ब्रांडेड है। मेनली जो इन सब चीज़ों से बहुत सारे इश्यूज आते थे, सरकार ने इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल एक्ट भी लगाया,
प्राइस कंट्रोल एक्ट लगाने से दिक्कत ये होने लगी कंपनियों को, उनका जो अर्निंग है या उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो एट पार नहीं होते कई बार, तो कंपनियां उस प्रोडक्ट को बनाना ही बंद कर देती है। अब जैसे मान लो प्राइस कंट्रोल एक्ट नेमिसिलाइड पे लगा दिया सरकार ने, तो वो उठा के कंपनी जो है नेमिसिलाइड का प्रोडक्शन कम कर देगी और ट्रूफेन बनाना शुरू कर देगी ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें ऐसी होती है। या फिर प्राइस कंट्रोल एक्ट से बाहर निकलने के लिए वो क्या करती हैं, पैरास्टामोल में कुछ और ऐड चीज ऐड कर दी, कैफीन ऐड करी, कुछ और ऐड कर दी, वो बनाना शुरू कर देगी, उसकी सप्लाई शुरू कर देगी, तो प्राइस कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वैसे सरकार अपने अपने तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उसी कंट्रोल का एक पहलू है कि जेनरिक दवाइयाँ शुरू करेगी, और हम इस चीज़ों से, इन एजुकेशन से, इन रिसर्च चीज़ों से और जेनरिक ब्रांडेड के इशूज़ से हम सालों से जुड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट 96 से जब से मैंने जॉब ज्वाइन किया, जब मैं स्टूडेंट था, पीजी स्टूडेंट था, तब भी हम कई बार सर्वे और स्टडी करने जाते थे गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे कि अलग अलग दवाई की दुकानों पे किस किस कॉस्ट में दवाई मिल रही है। वहाँ कई तरह के स्टोर होते थे एसएमएस में अस्पताल के सामने भी, कि उपभोक्ता की दुकान अलग है, प्राइवेट शॉप्स अलग हैं, और नो प्रॉफिट नो लॉस की दवाइयाँ दुकानें अलग हैं। उनमें सेम साल्ट की दवाइयों को हम देखते थे, कंपेरिजन में काफ़ी कॉस्ट में डिफरेंस आता था। उस तरह की स्टडी जब पूरे देश में जगह जगह बार बार की गई, तब चीज़ें समझ में आई कि जेनरिक का क्या इशू होता है, ब्रांडेड का क्या इशू होता है, कॉस्ट में कितना डिफरेंस होता है। उन सब चीज़ों को देखते हुए इस तरह की दवाइयाँ जो हैं जेनरिक स्टोर खोल के अवेलेबल की गई। सर, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा, आप दर्शक हमारे ये भी जानना चाहते हैं, जैसे मैं किसी डॉक्टर के पास गया, मुझे एक्स वाई जेड कोई भी बीमारी हो सकती है, तो डॉक्टर ने मुझे पर्ची पे दवाई लिख के दी है, अब मैं पर्ची वो मेडिकल पे लेके जाता हूँ, एक्स वाई जेड किसी भी मेडिकल पे लेके पहुँच गया वो पर्ची में, अब मुझे जो दुकानदार है वो जेनरिक दवाई दे रहा है या ब्रांडेड दवाई दे रहा है, क्योंकि दोनों के रेट में काफ़ी अंतर है, तो ये मैं पहचान कैसे करूँ उसके अंदर? ये एक पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है कि आप उसमें देख सकते हैं कि आपकी जो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हो रही है, कंपनी में जो है मार्केटिंग कौन कर रहा है उसकी, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। दूसरा, इस तरह के ऐप भी बहुत सारे अवेलेबल हैं जिसमें आप उस ड्रग की कॉस्ट देख सकते हैं। आप ऑनलाइन जाके आप उस पर्टिकुलर पैरास्टामोल है, मान लो पैरास्टामोल की कॉस्ट को भी आप देख सकते हैं कि मैनकाइंड की आ रही है, इस कंपनी की आ रही है, उस कंपनी आ रही है, किस कॉस्ट, इस कंपनी की कॉस्ट कम आ रही है, तो आप दोनों चीज़ें देख सकते हैं। आपको अच्छी कंपनी की या महंगी ड्रग लेनी है तो आप वहाँ जा सकते हैं, या आपको जेनरिक ड्रग लेनी है, इफेक्टिव दोनों होती हैं। लेकिन आपको जो मरीज को है उसको विश्वास होना चाहिए कि उसने जो दवाई खरीदी है वो अच्छी कंपनी की है, अच्छे मार्केटिंग बाय है। और जेनरिक दवाइयाँ भी ऐसा नहीं है कि उनकी भी प्रॉपर क्वालिटी टेस्टिंग होती है, उनको सब उनकी क्वालिटी को भी टेस्ट किया जाता है, और ऐसा नहीं होता कि वो मेन, आपको विश्वास होना चाहिए कि आप जो दवाई ले रहे हैं बहुत अच्छी है, इफेक्टिव है, अच्छी कंपनी की है, अच्छी मार्केटिंग बाय अच्छी कंपनी है, तो डेफिनेटली वो दवा असर करेगी। सर, जैसे आपने बात की कि जेनरिक दवाइयाँ काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन एक साल्ट को लेकर कई बार मिथ बना रहता है, हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो डॉक्टर ने एक्स वाई जेड दवाई लिखी है, तो वो जब मेडिकल पे नहीं होती है तो मेडिकल वाला कहता है कि ये आप दवाई ले लीजिए, ये इसका साल्ट भी सेम है, तो ये जेनरिक और जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है क्या दोनों के साथ, अगर मैं बात करूँ, एक एग्जाम्पल दूँ, बीपी की दवाई है, दो अलग अलग जेनरिक भी है और ब्रांडेड भी है, तो क्या दोनों के साल्ट सेम होंगे? ब्लड प्रेशर की दवाई आप अगर अलग अलग कंपनी बना रही है तो ठीक है, साल्ट एक सेम हो सकता है, लेकिन उस साल्ट के साथ जो एडजुवेंट है, साथ में जो और चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तरीका है, उसको कितने मिलीग्राम की बनाई गई, साथ में कुछ एडिशंस और चीज़ें तो नहीं है उसमें, उन सब चीज़ों का थोड़ा असर होता है, वो उसकी वजह से कॉस्ट भी डिफरेंस हो जाती है, और उन्हीं सब चीज़ों की वजह से ही उस पर्टिकुलर ब्रांड की दवाइयाँ उस पर डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को कई बार ज़्यादा भरोसा आता है पर्टिकुलर कंपनी की ब्रांड पर, वही एक रीज़न होता है जिस वजह से कई बार ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ऐसी बड़ी बीमारियों दवाई होती है उस पर लोग बाग ब्रांडेड ड्रग्स पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, और उन्हीं का नतीजा है, कई तरह की स्टडीज़ में ऐसा सामने आया है कि अच्छी कंपनी की ब्रांडेड दवाइयाँ उनके इफ़ेक्ट्स ज़्यादा महसूस किए जाते हैं, भाई ये ज़्यादा कारगर है, और जेनरिक को कम माना जाता है क्योंकि उनका ये सोच है, पेशेंट को खरीदते ही उसको ये लगता है यार ये सस्ती खरीद ली अपने, कम कॉस्ट की, इतनी कॉस्ट में कंपनी ने क्या तो बनाया होगा, क्या उसकी क्वालिटी टेस्टिंग कराई होगी, तो मरीज को खुद को डाउट रहता है कई बार, इसलिए जनरली कई मरीज होते हैं वो अच्छी कंपनी की ब्रांडेड दवाइयाँ ही लेने की कोशिश करते हैं, ये भी एक रीज़न है कि मरीज को ज़्यादा भरोसा ब्रांडेड होता है, बाकी अदरवाइज साइंटिफिक तरीके से सोचें या डॉक्टर या फार्माकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो हमारे हिसाब से जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयाँ सब सेम होती हैं, एक्सेप्ट कि वो कहीं ऐसा नहीं हो कि उसकी क्वालिटी टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो, दवा में कुछ गड़बड़ हो, नकली दवा हो, इस तरह की चीज़ें अगर नहीं है, डेफिनेटली दोनों दवाइयां इफेक्टिव।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल जो ये जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों को लेकर जो मिथ थे, जेनरिक दवाइयाँ क्यों सस्ती होती है, ब्रांडेड क्यों महंगी होती है, साल्ट में क्या क्या अंतर होता है, ये तमाम जो बातें हैं इसको लेकर यहाँ पर आपने अपना अपनी बात कही। और जो एक लगातार लोगों के मन में संदेह बना रहता है जेनरिक दवाइयों को लेकर, वो संदेह भी आपने निश्चित तौर पर हर तरह से दूर कर दिया। इस तरह की जो खबरें हैं उसके लिए आप लगातार जो सेहतनामा कार्यक्रम है हमारा, उसके साथ बने रहिए। नमस्कार।